पशुओं की जान बचाने का कार्य कर रहे हैं और हर समय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन को हर संभव मदद भी करते हैं। पुलिस मित्र टीम का एसडीएम सुखाराम पिंडेल और तहसीलदार रामेश्वर छाबा ने किया सम्मान। तीर्थ नगरी पुष्कर में पिछले 2 वर्षों से निस्वार्थ भावना से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रही है पुलिस मित्र टीम। तीर्थ नगरी पुष्कर में करीबन 2 वर्षों से निस्वार्थ भावना से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाली पुलिस मित्र टीम का मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुखाराम पिंडेल और तहसीलदार रामेश्वर छाबा ने सम्मान किया। इस अवसर पर एसडीएम सुखाराम पिंडेल और तहसीलदार रामेश्वर छाबा ने पुलिस मित्र टीम द्वारा पुष्कर में किए जा रहे कार्यों की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस मित्र टीम ने कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काफी सराहनीय सेवाएं दी तथा पुलिस मित्र टीम हर पल हर वक्त पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगी रही। पुलिस मित्र टीम हमेशा प्रशासन और पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है। यही नहीं, पुष्कर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी कई ऐसे रेस्क्यू किए गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई तो कई समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्य भी किए। गौरतलब है कि पुलिस मित्र टीम को पूर्व में भी कई बार उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया जा चुका है। आज भी एसडीएम सुखाराम पिंडेल और तहसीलदार रामेश्वर छावा ने पुलिस टीम के इंचार्ज अमित भट्ट के नेतृत्व में पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करते हुए हौसला अफजाई की। इस मौके पर पुलिस मित्र टीम के इंचार्ज अमित भट्ट ने टीम के साथ एसडीएम सुखाराम पिंडेल और तहसीलदार रामेश्वर छावा का आभार जताया। जी, पुलिस मित्र टीम पुष्कर लगातार पिछले कई वर्षों से सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए आमजन समेत मूक पशुओं की जान बचाने का कार्य कर रहे हैं और हर समय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन को हर संभव मदद भी करते हैं। और कोविड-19 के समय भी टीम ने काफ़ी मेहनत की और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून की व्यवस्थाओं की पालना करवाई। इसी क्रम में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में माननीय एसडीएम साहब श्री सुखराम जी पिंडेल व तहसीलदार साहब श्री रामेश्वर जी छाबा द्वारा आज टीम का सम्मान करके और उन्होंने प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया।